वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने पढ़ा था सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, और साथ ही हमने उसको कैलकुलेट करने का मेथड भी देखा था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर, ये वो इंडेक्स नंबर है विच मेजर द एवरेज चेंजेस इन प्राइस पेड बाय द स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इन द करंट ईयर इन कंपैरिजन विद बेस ईयर। यानी कि हमें बोलने से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स नंबर है किससे रिलेटेड है, ये कंज्यूमर से रिलेटेड है। यानी कि जब कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है और गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद वो क्या करता है, कॉमोडिटी की जो प्राइस होती है, कोई भी कॉमोडिटी है, जब उसकी कॉमोडिटी को वो परचेज करता है, ठीक है, और गुड्स को वो कंज्यूम करता है, तो उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि करंट ईयर और बेस ईयर के उसमें, ठीक है। तो ये अपने पास आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, फर्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास, ये देखा जाता है कि कंज्यूमर किस क्लास का है, यानी कि वो रिच है, मिडिल है, या फिर पुअर है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट, उसकी फैमिली बजट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना कि किस तरह से उसकी फैमिली का बजट है। चॉइस ऑफ बेस ईयर को चॉइस करना कि कौन सा बेस ईयर लेना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेटेज, अब वेटेज यहाँ पे टू वेज में आता है, क्वांटिटी वेटेज और एक्सपेंडिचर वेटेज, ठीक है, क्वांटिटी वेट कितना है या फिर एक्सपेंडिचर का वेट कितना है। तो इस तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको CPI भी बोला जाता है। तो आपसे 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि CPI की फुल फॉर्म क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है समीशन WR अपॉन में समीशन W। नेक्स्ट आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को WPI भी कहा जाता है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटीज ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट्स। यानी कि रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है वो किसको मेजर करता है, रिलेटिव चेंजेस को, यानी कि कॉमोडिटीज की प्राइसेस में जो रिलेटिव चेंज आता है ट्रेडेड कहाँ पे, होलसेल मार्केट्स के अंदर, उसे कहा जाता है होल प्राइस इंडेक्स। इंडिया के अंदर होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है उसको वीकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब वीकली के बेसिस पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स किसको मेजर करता है कि इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपैरिजिंग मैनी इंडस्ट्रीज के अदर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में, कि किससे अदर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में एक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन लेवल में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पब्लिक सेक्टर के प्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ये जो वेटेज होती है इसकी एवरेज निकाली जाती है, इसकी जो एवरेज निकाली जाती है वो होती है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव में। तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन Q1 मल्टीप्लाई में W अपॉन में समीशन W मल्टीप्लाई में 100। नेक्स्ट अपने पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। सेकेंड, स्टेटिस्टिक्स और डाटा रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना। और थर्ड आता है वेटेज, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वेटेज एवरेज होती है उसको लेकर चलता है। और लास्ट इसमें अपना कंसेप्ट आता है पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का क्या पर्पज है, तो देखिए इंडेक्स नंबर को पर्पज करने का क्या पर्पज है, फर्स्ट है कि इंडेक्स नंबर को इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे हमें क्या पता चल जाए, प्राइस लेवल के बारे में पता चल जाए। ए राइजिंग जनरल प्राइस लेवल ओवर टाइम इज अ पॉइंटर टुवर्ड इन्फ्लेशन, कि हमें
प्राइस लेवल का पता चल जाता है कि अगर प्राइस लेवल हाई है इसका मतलब इन्फ्लेशन है, अगर प्राइस लेवल अपना कम है तो क्या है, डिफ्लेशन है, ठीक है। और सेकंड पर्पस कहते हैं कि हमें ये पता चल जाते हैं कि हाउ टू नो रिलेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज द क्वांटम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि डिफरेंट जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसके हमें वॉल्यूम का पता चल जाता है कि गुड्स और सर्विसेज जो है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज कितनी है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के।